आप देख रहे हैं दखल न्यूज। सिख दंगों को लेकर मोदी का हमला, कांग्रेस और उसके साथियों से सावधान रहने की जरूरत। राम जन्मभूमि मामले में मध्यस्थता सही दिशा में, सुप्रीम कोर्ट ने दिया 15 अगस्त तक का समय। आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान, अब संत बीजेपी को नहीं कांग्रेस को दे रहे हैं समर्थन। यशवंत सिन्हा ने कहा, मोदी सरकार ने बहुत जल्दबाजी में लिया आर्थिक फैसले जिसके कारण देश का हुआ बड़ा नुकसान। शिवपुरी में सिद्धू और सिंधिया का क्रिकेट मैच, प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। नमस्कार, मैं हूं अनुराग, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान से पहले सैम पित्रोदा के सिख दंगों को लेकर दिए बयान पर बवाल मचा हुआ है। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बयान को लेकर पित्रोदा और कांग्रेस पर निशाना साधा है। रोहतक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आपको कांग्रेस और उसके साथियों से सावधान रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने 70 साल तक देश कैसे चलाया है, उनका दिमाग कैसे चलता है, उनकी खोपड़ी में कैसा अहंकार भरा है, ये कल केवल 3 शब्दों में उन्होंने खुद ही समेट दिया। कल कांग्रेस के बड़े नेताओं में से एक ने कहा कि 1984 का सिख दंगा हुआ तो हुआ, ये नेता गांधी परिवार के सबसे बड़े राजदार हैं, ये राजीव गांधी के अच्छे दोस्त और राहुल गांधी के गुरु हैं, इनके लिए जीवन का कोई मूल्य नहीं है। मोदी ने कहा, सैकड़ों सिखों को पेट्रोल डीजल डालकर जिंदा जला दिया गया, गले में टायर डालकर आग लगा दी गई, और कांग्रेस कह रही है हुआ तो हुआ, हजारों सिखों को घरों से बाहर निकालकर मारा गया, लेकिन आज कांग्रेस कह रही है हुआ तो हुआ। हरियाणा, हिमाचल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों में सिखों को निशाना बनाया गया, इसका नेतृत्व कांग्रेस ने किया, ये पाप कांग्रेस के हर छोटे बड़े नेता ने किया, लेकिन आज कांग्रेस कह रही है हुआ तो हुआ। कांग्रेस का अहंकार, कांग्रेस को चलाने वालों का अहंकार, इन्हीं 3 शब्दों में हम भली भांति समझ सकते हैं। हुआ तो हुआ। कल कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से एक ने चीख चीख कर 84 के दंगों के बारे में कहा कि 84 का दंगा हुआ तो हुआ। आपको पता है ये नेता कौन है? ये नेता गांधी परिवार के सबसे करीबी है, गांधी परिवार के सारे लोग के साथ हर रोज उनका बैठना उठना है। ये नेता गांधी परिवार के सबसे बड़े राजदार है। ये नेता राजीव गांधी के बहुत अच्छे दोस्त और आज के जो कांग्रेस के नामदार अध्यक्ष हैं उनके वो गुरु है। इन्होंने कल टीवी के सामने साफ साफ बोल दिया, अगर 84 में दंगा हुआ हुआ तो हुआ। मोदी ने कहा, कांग्रेस में सिर्फ एक परिवार को आगे बढ़ाने के लिए समर्थ लोगों का अपमान किया जाता है, उनकी पहचान को ऊपर नहीं उठने दिया जाता। भाखड़ा नागल डैम की सोच सर छोटू राम की थी, लेकिन उनको कभी इसका क्रेडिट नहीं दिया गया। दिल्ली में जो कांग्रेस के नामदार हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उन्होंने यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री के साथ मिलकर क्या क्या गुल खिलाए हैं ये भी पूरा देश जानता है। किसान की जमीन कौड़ियों के दाम पर हड़प ली और फिर उस पर भ्रष्टाचार की खेती की गई। जिस किस्म का बयान सैम पित्रोदा ने दिया है उसके बाद ये तय था कि इस पर बवाल मचेगा ही मचेगा, और चुनाव का मौका है तो बीजेपी उसके सहयोगी दल इस मौके को चूकना नहीं चाहते हैं। अभी भी ये बात सच है कि सिख दंगों के कई साल बीत जाने के बाद भी सिखों के जख्म हरे के हरे हैं और वो कांग्रेस से खार खाते हैं। चुनावी मौसम है तो इसको भी भुनाने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। अब एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से है। अयोध्या राम जन्मभूमि मसले में मध्यस्थता पैनल द्वारा अपनी अंतरिम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपे जाने के बाद आज सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई शुरू की।
इस दौरान कमेटी ने सर्वोच्च न्यायालय से मध्यस्थता के लिए 15 अगस्त तक का समय मांगा है, जिसे कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मध्यस्थता की कोशिशें सकारात्मक दिशा में हैं। मध्यस्थता कमेटी की रिपोर्ट पर सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने सुनवाई की और कहा कि कमेटी की रिपोर्ट हमने पढ़ी है और उन्हें लगता है इस मामले में मध्यस्थता की कोशिश सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है और उम्मीद है कि कोई हल निकल जाएगा। इसके बाद हमें लगता है कि कमेटी को इसके लिए 15 अगस्त तक का समय दिया जाना चाहिए। इससे पहले 8 मार्च को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दशकों से अदालत की चौखट पर घूम रहे राजनीतिक रूप से संवेदनशील अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद का बातचीत के जरिए सुलह का रास्ता तलाशने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश फकीर मोहम्मद इब्राहिम कलीफुल्ला की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय मध्यस्थता पैनल को भेज दिया था। मध्यस्थता पैनल को मामला सुलझाने के लिए 8 सप्ताह का वक्त दिया गया था। साथ ही कोर्ट ने पैनल से 4 सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट मांगी थी। मध्यस्थता पैनल में जस्टिस कलीफुल्ला के अलावा आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ वकील श्री राम पंचु सदस्य बनाए गए थे। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2010 में अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद में फैसला देते हुए विवादित जमीन को 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया था। कोर्ट ने जमीन को 3 पक्षकारों रामलला, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड में बांटने का आदेश दिया था। साथ ही साफ किया था कि रामलला विराजमान को वही हिस्सा दिया जाएगा जहां से वे विराजमान हैं। हाई कोर्ट के इस फैसले को सभी पक्षकारों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से फिलहाल मामले में यथास्थिति कायम है। 1992 में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के बाद से ये विवाद लगातार सुर्खियों में बनाया हुआ है और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर इस पर लोग चाहते थे कि फैसला दोबारा से आए और सुप्रीम कोर्ट जिस तरह के प्रयास कर रहा है वो अपने आप में बहुत लाजवाब है, बहुत सराहनीय है और लगता है कि इससे इस पूरे मामले को एक नई दिशा मिलेगी। कांग्रेस के स्टार प्रचारक आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला और कहा कि देश की आज़ादी के बाद ये पहला चुनाव है जिसमें देश के हजारों संत जो हमेशा बीजेपी के साथ रहते थे इस चुनाव में कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भोपाल कांग्रेस दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा मैं कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह के समर्थन में आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू धर्म के नाम पर करोड़ों हिंदुओं को धोखा दिया है। बीजेपी ने 2014 में जो वादे किए थे एक भी पूरा नहीं हुआ। 3 तलाक में अध्यादेश लाए लेकिन राम मंदिर के नाम पर बात नहीं की। इसीलिए संतों ने यह फैसला किया है कि गांधी के विचारधारा पर चलने वाली कांग्रेस का समर्थन किया जाए। कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी को समर्थन दे सकता है, इसलिए संत महात्मा भी इस देश के नागरिक हैं, उन्हें भी अपनी इच्छा से किसी भी राजनीतिक दल को समर्थन देने का पूरा अधिकार है। नंबर 1। नंबर 2 कि जो विषय राष्ट्र से जुड़ा है, राजनीति एक ऐसा विषय है कि जिससे राष्ट्र का भविष्य जुड़ा है, तो संतों का अपना अपना धर्म होता है लेकिन एक राष्ट्र का धर्म होता है। जब राष्ट्र संकट में हो, जब देश संकट में हो, तो संतों का दायित्व बनता है। उन्होंने कहा कि पीएम ने स्वर्गीय राजीव गांधी के लिए जो अशोभनीय बात कही है वो भारत की राजनीति में पहले नहीं हुआ। वाल्मीकि रामायण में ये उल्लेख है कि रावण का वध हो गया था, तब राम ने कहा था मारने के बाद कटु शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। मैं पीएम मोदी से ये मांग करता हूँ, उनको इस बयान पर सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। ये तो थी आचार्य प्रमोद कृष्णम की बात। अब बात करते हैं पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा की। यशवंत सिन्हा ने मोदी सरकार के बारे में कहा है कि मोदी सरकार ने बहुत जल्दबाजी में कई आर्थिक फैसले लिए जिसके कारण देश का बड़ा नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि यूपीए की आर्थिक नीति एनडीए से बेहतर थी। यशवंत सिन्हा भोपाल में सेंट्रल प्रेस क्लब में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा मोदी सरकार ने कई फर्जी आंकड़े जारी किए हैं। मोदी के समय से बेहतर मनमोहन के कार्यकाल में जीडीपी थी लेकिन मोदी सरकार के दबाव में नीति आयोग ने आंकड़े बदल दिए। सरकार जीडीपी के फर्जी आंकड़े पेश कर रही है, इसके चलते विश्व में भारत की विश्वसनीयता घटी है। नोटबंदी और जीएसटी ने मिडिल क्लास इंट्रा
प्राइजेस को डैमेज किया है। प्रधानमंत्री जी के ऊपर करता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो एक स्टैंडर्ड सेट करे, एक डिग्निटी की भाषा का इस्तेमाल करें जिससे बाकी लोग भी प्रेरित हों। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है और राजनीति की भाषा जो है वो नीचे गिरती जा रही है, एक असहिष्णुता का वातावरण देश में पैदा हो रहा है और जो चुनाव में कैंडिडेट खड़े हैं चाहे किसी भी हाँ सर हटा दीजिए किसी भी पार्टी के कैंडिडेट हों उनके साथ जो व्यवहार की खबरें आ रही हैं। सिन्हा ने कहा मोदी चुनाव में पाकिस्तान को मुद्दा बनाते हैं तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे पीएम की 56 इंच की छाती पाकिस्तान के लिए है लेकिन चीन में 6 इंच की हो जाती है। चीन को आनंद आ रहा है कि हमारी तुलना सिर्फ पाकिस्तान से होती है। भोपाल लोकसभा का चुनाव पूरे देश का चुनाव है, ये चुनाव तय करेगा कि देश किस दिशा में जाएगा। यशवंत सिन्हा बीजेपी से लंबे अरसे से जले बुने बैठे हैं और वो इसी तरह की बातें लगातार करते रहे, इसके बावजूद मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सेहत पर कोई अंतर नहीं पड़ा है। फिलहाल वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भोपाल में एक जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह की जीत का दावा किया। बघेल ने कहा दिग्विजय विलक्षण किस्म के नेता हैं। तकनीकी छात्र संगठन ने बरखेड़ा स्थित गांधी मार्केट में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सम्मान समारोह आयोजित किया। इस समारोह में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं अमृता सिंह, कांग्रेस कमेटी के महासचिव संजीव सक्सेना ने संबोधित किया। संजीव सक्सेना ने सभा में दिग्विजय सिंह को जितवाने की अपील की तो भूपेश बघेल ने भी दिग्विजय सिंह की तारीफों के पुल बांध दिए। कमलनाथ जी ने जो महत्वपूर्ण प्रत्याशी दिया है, रिसोर्सफुल प्रत्याशी दिया है, जबरदस्त प्रत्याशी दिया है, ऐसा प्रत्याशी दिया है जो युवाओं को रोजगार के लिए लड़ सकता है, विजन है, ऐसा प्रत्याशी दिया है जो अस्पतालों के लिए बात कर सकता है, विजन है, ऐसा प्रत्याशी दिया है जो मास्टर प्लान की उसके चयन में जो मास्टर प्लान के लिए काम कर सकता है, ऐसा प्रत्याशी दिया है जिसके पास विजन है, मुख्यमंत्री रहा है, राज्यसभा सदस्य रहा है, कृषि मंत्री रहा है, अध्यक्ष रहा है, पांव पांव घुमा है, भोपाल को अपनी कर्मस्थली बनाने के लिए आए। वो राघोगढ़ से जीत के जा सकते थे, राजगढ़ से जीत के जा सकते थे। आप जाइए जाइए, आप जाइए छिंदवाड़ा, राघोगढ़, राजगढ़ जाइए, परिवार परिवार को चिन्हित किया है। किसी परिवार की नौकरी है तो वो फोन करते हैं, नौकरी लगवाते हैं, किसी परिवार में बीमारी है वो इलाज कराते हैं। मेरा भोपाल क्यों नहीं गोद में ले सकते? हमको जिताना होगा आदरणीय दिग्विजय सिंह को। दिग्विजय सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं और इसलिए भोपाल सबसे चर्चित हो चुका है। जब दिग्विजय सिंह जी के केवल चुनाव लड़ने मात्र से ही भोपाल हाई प्रोफाइल हो चुका है तो सांसद बनने के बाद भोपाल की स्थिति क्या हुई होगी? आदरणीय साथियों, हम लोग दिग्विजय सिंह जी के साथ लंबे समय तक के काम करते रहे और आज जहां भी पहुंचा हूं मैं तो उसमें यदि सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो दिग्विजय सिंह जी का। भूपेश बघेल उस समय मंत्री रहे जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग नहीं हुआ था। यही वजह है कि भूपेश बघेल दिग्विजय सिंह को बहुत मानते हैं और उनकी कार्य प्रणाली के वो बड़े प्रशंसक हैं। अब खबर शिवपुरी से। ज्योतिराज सिंधिया का प्रचार करने शिवपुरी पहुंचे पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने पहले क्रिकेट मैच खेला, उसके बाद सभा में चौकीदार चोर के नारे लगवाए और प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा।
ज्योतिरादित्य सिंधिया के पक्ष में सभा करने शिवपुरी पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू ने जमकर क्रिकेट मैच खेला और उसके बाद मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा 2014 में मोदी ने कहा था खाऊंगा ना खाने दूंगा और जम के खाया ठोक के खिलाया। 35,000 करोड़ रुपए उन्होंने अंबानी को खिलाए। कहते थे कि 10 का पेन लेना तो उसका बिल जरूर लेना। अब इनसे राफेल की फाइल मांगते हैं तो बिल बिल आ जाते हैं। सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले ने सिर्फ अंबानी और अडानी का विकास किया। मौसम चुनाव का इसलिए तरह तरह के रंग देखने के लिए मिल रहे हैं। इधर भिंड दतिया लोकसभा प्रत्याशी संध्या राय जाटव के समर्थन में जयप्रदा ने एक चुनावी सभा को संबोधित किया। जयप्रदा ने कहा बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रवादी होने के साथ महिलाओं का सम्मान करती है। भारतीय जनता पार्टी ने भिंड दतिया लोकसभा प्रत्याशी संध्या राय जाटव के समर्थन में सभा करने फिल्म स्टार जयप्रदा को बुलाया। उनके साथ मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा थे। सभा में जयप्रदा ने मोदी मोदी के नारे लगवाए, साथ ही राष्ट्र के नाम मोदी को वोट देने के लिए आग्रह किया। उन्होंने कहा मैं पूर्व में समाजवादी पार्टी में थी लेकिन वहां महिलाओं का अपमान होता था, हमको उस पार्टी से निष्कासित किया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का सम्मान होता है, राष्ट्र भूमि की सेवा होती है, किसानों का ख्याल रखा जाता है, मैं ऐसी पार्टी को नमन करती हूं। उन्होंने कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी तथा समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। मैं जिस पार्टी से 2 बार मैं सांसद बनी, समाजवादी पार्टी से, वो मुझे पार्टी से निकाल दिया। बहुत सेवा की मैंने लेकिन वहां पे महिलाओं का कोई सम्मान नहीं हो ना, सम्मान नहीं मिल रहा है। मैं सक्रिय पॉलिटिक्स में नहीं थी, जब मैं 4-5 साल मोदी जी के उनके 5 साल का कार्यकाल देखने के बाद मैं मोदी जी के लिए उनके कार्यों को देखकर बहुत प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी में आई हूँ। इस मौके पर मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा इस चुनाव में जो भी हुआ वह तो ठीक है लेकिन मोदी जी ने एक अच्छा काम किया है कि राजनीति का सभी कचरा एक साथ कर दिया है। राजनीति का भ्रष्ट कचरा मोदी जी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है। जब ऐसे लोग आरोप लगाएंगे तो वह क्या होंगे आप स्वयं समझ सकते हैं। अब बात मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। शिवराज सिंह चौहान की छवि सरल नेता की रही है, उन्हें सूबे के लोग मामा कहकर बुलाते हैं। आज उनकी इसी छवि से जुड़ी एक तस्वीर सामने आई। जब साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के चुनाव प्रचार के लिए शिवराज सिंह चौहान जा रहे थे, उन्हें रास्ते में एक घायल नजर आया। उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी, उसका हाल चाल जाना और अपनी काफिले की गाड़ी से उसे अस्पताल पहुंचाया। ये वाकया ईदगाह हिल्स का है जहां अज्ञात वाहन की टक्कर लगने के बाद माखन सिंह नाम का एक शख्स घायल हो गया। उसके मुंह और सिर से खून बह रहा था। उसी वक्त शिवराज सिंह चौहान का काफिला वहां से गुजरा। भीड़ देखकर शिवराज गाड़ी से नीचे उतरे और भीड़ की वजह जानी। तब उन्हें पता चला कि एक शख्स सड़क हादसे में घायल हो गया है। आनन फानन में शिवराज सिंह ने अपने साथ चल रहे सुरक्षा कर्मियों को बुलाया और घायल शख्स को अपनी गाड़ी से अस्पताल भेजने को कहा। एक गाड़ी बुला लो ना, अपनी गाड़ी भेज दो।
ये छोड़ के फिर वहाँ जाना चाहिए, नेहरू नगर आ जाना। अमीडिया छोड़ के आप जा रहे दीवान, आप चले आगे बैठ जाओ, हेलो भाई साहब। इसके बाद सुरक्षाकर्मी हरकत में आए और घायल को उठाकर काफिले की गाड़ी में बैठाया। उस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद गाड़ी का दरवाजा खोला। वहां खड़े कुछ लोगों ने इस घटना का वीडियो बना लिया जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घायल के मौके से जाने के बाद शिवराज सिंह साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के प्रचार के लिए रवाना हुए। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन शिवराज सिंह की इसी सहृदयता के सभी काबिल हैं और इन कामों के कारण उनकी प्रशंसा भी की जाती है कि वो एक आम आदमी की तरह ही हमेशा बिहेव करते हैं। फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए दखल न्यूज़। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब एक दर्द भरी खबर है मध्य प्रदेश के बड़वानी से। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाला बच्चन के बहनोई की सड़क हादसे में मौत हो गई। बहनोई की मौत की खबर मिलते ही गृह मंत्री बाला बच्चन भी घटनास्थल पर पहुंचे। ये हादसा खंडवा बड़ौदा स्टेट हाईवे पर हुआ। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाला बच्चन के जीजा दुर्गालाल वस्कले की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। हादसा खंडवा बड़ौदा स्टेट हाईवे पर उमरिया के पास हुआ। दुर्गालाल बड़वानी से चुनाव की ट्रेनिंग के बाद वापस राजपुर लौट रहे थे। रात काफी हो जाने के बाद भी जब वो घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की और खंडवा बड़ौदा स्टेट हाईवे पर एक गड्ढे में उनका शव मिला। पास ही उनकी बाइक भी पड़ी हुई थी। वो अंजड़ उपमंडी के राजपुर में तैनात थे। घटना की जानकारी मिलते ही खुद गृह मंत्री बाला बच्चन मौके पर पहुंचे और पुलिस अफसरों से इसको लेकर बात की। पुलिस अब जांच कर रही है कि किस गाड़ी की टक्कर से यह हादसा हुआ या तेज रफ्तार होने की वजह से यह दुर्घटना हुई। पिंजरा तोड़कर भागे एक तेंदुए ने ग्रामीणों को परेशान कर दिया। छतरपुर के गांव में घुसने के बाद यह पेड़ पर चढ़ गया, इसे लेकर ग्रामीण घंटों तक परेशान होते रहे। छतरपुर के घुवारा इलाके से गुजौरा गांव में तेंदुआ घुस जाने से हड़कंप मच गया। तेंदुआ गांव के एक पेड़ पर चढ़ गया। बड़ा मलहरा वन विभाग की टीम मौके पर गई। घंटे से रेस्क्यू कर तेंदुए को पकड़ने का प्रयास कर रही है पर वह हाथ नहीं लगा। तेंदुए के कारण गांव में दहशत का माहौल है। गौरतलब है दो दिन पहले टीकमगढ़ के दुर्गा नगर गांव के एक घर में तेंदुआ घुस गया था जिसे वन विभाग की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद पिंजरे में बंद किया था, लेकिन वन विभाग कर्मियों की लापरवाही के चलते वो तेंदुआ पिंजरा तोड़कर भाग गया। ऐसा माना जा रहा है कि ये वही तेंदुआ है जो भटकते हुए इस गांव तक पहुंच गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। अब हम आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं जर्जर भोपाली को, जो आपको अपने ही अंदाज में सुनाएंगे भैरन समाचार। नमस्कार, भैरन समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। और कल्याण भाई, आजकल तो इलेक्शन में ऐसी ऐसी खबरें आ रही है, बहुत मजा आ रही है बता रहे हूँ। अभी कल की ये खबर सुन लो, ये दिग्विजय सिंह के समर्थन में कंप्यूटर मोबाइल वाले बाबा हैं। कौन से बाबाओं के नाम भी देखो कि टेक्निकल हो गए आजकल। वो है ना तांत्रिक विद्या कर रहे हैं, कुछ तांत्रिक क्रियाएँ कर रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ ये तंत्र मंत्र का उपयोग करना है तो अच्छे कामों में कर लो भैया, थोड़ा ये आतंकवाद समाप्त करवा दो, ये भ्रष्टाचार दूर भगाओ, ये चीज़ ऐसे काम करो इनके लिए। बाबा को मैं बता रही हूँ, ये बाबा वही है इनको पीछे राज्य मंत्री का दर्जा मिल गया था। और मैं बता रही हूँ, मैं सोच रहा हूँ दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लूँ अगले चुनाव के बाद, हो सकता है मेरे को मंत्री मंत्री बना दें। बाबा को धंधा अच्छा है बता रही हूँ। और ये खबर ये देख लो, प्रियंका गांधी और ये है ना, अब चुनाव में इनको जो स्क्रिप्ट राइटर वगैरह होती है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
पहले उनको ये दुर्योधन वगैरह बोल रही हैं मोदी को, और उसके बाद ये राष्ट्र का भी दिनकर की कविताएं सुना रही हैं। जब नाश मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है, बताओ। अब ये कविताएं वगैरह इनको समझ में आती है कि नहीं, वो मुझे पता नहीं है, लेकिन उपयोग बहुत अच्छा हो रही है। हाँ, ऐसा चल रहा है। और ये प्रज्ञा ठाकुर इनको है ना, ये मेडिकल ग्राउंड पर बाहर आई थी, इनको इनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है, कल में मोटरसाइकिल वगैरह पर देखा इनको धूप में घूम रही थी पूरे शहर में। अब मुझे लगता है कि हो सकता है ये धूप से उनको भी कुछ फ़ायदा मिलता हो, और चुनाव में तो घूमना पड़ता है, पसीने बहाना पड़ता है, बता रही हूँ। वो ये कांग्रेसी लोग देखो भैया, गट्ठे भर भर के है ना, वो शिवराज सिंह चौहान के बंगले पे पहुँच गए, वहाँ पे वो सब सबूत देने के करीब माफ़ी के। उन्होंने कहा भैया बैंक वाली लिस्ट लाओ, ये कौन सी लिस्ट लेके आ गए, वो भी मुख्यमंत्री रहे, उनको पता है माफ़ वाफ कैसे होता है, बता रही हूँ। ये सबूत ले लेके जा रहे हैं, मतलब क्या परंपराएँ शुरू हो गई हैं, बता दो। और उनकी सरकार आ गई फिर से, तो फिर ये लेके जाएंगे सबूत, ये तो चल रहा है, बता रहा हूँ। एक दूसरे को नीचे दिखाने में है ना, कोई कसर छोड़ नहीं रहे, बता रही हूँ। हाँ, ये चल रहा है। वो आजकल कैलाश विजयवर्गीय की नहीं दिख रहे, और वो मुझे पता लगा वहाँ गए हुए पश्चिम बंगाल, वहाँ पे है ना ममता बनर्जी को बहुत टेंशन में ला दिया उन्होंने, बहुत मेहनत कर रहे हैं, चलो अच्छी बात है, हमारे मध्य प्रदेश के हैं, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पे। और मैंने सुना है उनकी ससुराल भी वहीं है, तो वहाँ पे स्वागत वागत भी अच्छा होता होगा उनका। और मैं बता रहा अभी क्या रिजल्ट आ रहे हैं, 10वीं 11वीं 12वीं के, वो ऐसे लपक के नंबर मिल रहे हैं, 500 में से 499, ऐसे मतलब बच्चों को है ना वो शिक्षा मजदूर बना दिया, बता रहे हो, ऐसे मजदूरी करवा रहे हैं बच्चों से लपक के, स्कूल से आए बस्ता फेंका और फिर कोचिंग जाओ, ये पूरे 24 घंटे पढ़ाई वढ़ाई, ये खेलना कूदना उनका बंद हो गया बेचारों का, वो नंबर देख के बड़े खुश होते हैं माँ बाप। हमें बता रहे हैं उनका मानसिक विकास भी तो जरूरी है, वो ये जो जाँचने वाले कॉपी पेपर बनाने वाले पता नहीं क्या चल रहा है, हमारे टाइम में तो 60% आ जाते थे, पूरा मोहल्ले मिठाई बांटता था, वो अब तो भैया हर आदमी मिठाई बांट रहा है, 90% से किसी कम नहीं आते, तो ये तो चल रहा है, मजदूरी चल रही है शिक्षा के क्षेत्र में। और मैं भी सोच रहा हूँ भैया फिर से है ना अपनी परीक्षा दे लूँ, अपना परसेंटेज सुधार लूँ, लपक के नंबर मिल रहे हैं इस समय। हाँ, तो भैया मैं चला कोचिंग पढ़ने, नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।